तमिलनाडु में रात में 9 बजे कोर्ट खुला, कोर्ट की बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि मनीष साथ क्या किया जाए और डीएम ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और एनएसए इंपोज करने की मांग की, एनएसए लगाया गया उन पर। 22 दिन हो गया मनीष कश्यप जो है न्यायिक हिरासत में है, उस समय एनएसए एक्ट नहीं लगा जब मनीष कश्यप बिहार आने वाले थे, तब अचानक एनएसए एक्ट क्यों लगा? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी व्यक्ति पे लगाया जा सकता है जिस व्यक्ति से उस क्षेत्र को, उस राज्य को या उस देश को नुकसान होने वाला हो। जैसे कोई आतंकवादी अगर होगा उस पर एनएसए लग सकता है, कोई ऐसा जो सांप्रदायिकता फैल सकती है किसी के भाषण देने से या किसी के मंच पर आने से तो वहाँ लग सकता है एनएसए उन पर, या कोई भड़काऊ ऐसा भाषण दे कि उन्माद फैल जाए दो जातियों के बीच, दो धर्मों के बीच में, तो एनएसए लगाया जा सकता है। कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें तमिलनाडु सरकार को ही बनाया गया है पार्टी, इन्होंने इंडिया ही पार्टी बनाई गई है, बिहार सरकार बिहार पुलिस की पार्टी बनाया गया है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय को देखना है कि मनीष कश्यप पे जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है या नहीं है, निराधार है। बिहार से भी उन्हें एनएसए एक्ट लगा है कि सिर्फ तमिलनाडु से लगा? नहीं, एनएसए बिहार में क्यों लगाया जा गया, चूंकि ये मामला तो तमिलनाडु का है, बिहार में इकोनॉमिकल ऑफेंस का केस किया गया है, तो सेक्शंस इंपोज किए गए हैं, 465 भी है आईटी एक्ट का, 66 भी है आईटी एक्ट का, 471 है, 407 है, कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें कुछ में तो बहुत 2-3 महीने का ही सजा है, कुछ में 6 महीने का है, कुछ में 3 साल का है, 5 साल का है, लेकिन आईटी एक्ट जो 665 लगा वहाँ आजीवन कारावास है। बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कहीं जितने उनको फॉलोअर्स हैं उनको ये संवाद दीजिए कि मनीष बाहर आ जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां सभी लोग ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप अब वापस बिहार आ रहे हैं, सभी लोग के मन में थोड़ा सा उत्साह था, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु के डीएम ने एनएसए एक्ट लगा दिया, अब मनीष कश्यप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इन सभी चीजों को लेकर मैं अभी बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एस के मिश्रा सर के साथ सारी बातें करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपके दर्शकों को भी। सर, सभी लोग ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी उनको फॉलो करते हैं उनके मन में उत्साह था, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर अचानक एनएसए लगा दिया गया, अब मनीष कश्यप का जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा कि एनएसए होता क्या है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी व्यक्ति पे लगाया जा सकता है जिस व्यक्ति से उस क्षेत्र को, उस राज्य को या उस देश को नुकसान होने वाला हो। जैसे कोई आतंकवादी अगर होगा उस पर एनएसए लग सकता है, कोई ऐसा जो सांप्रदायिकता फैल सकती है किसी के भाषण देने से या किसी के मंच पर आने से तो वहाँ लग सकता है एनएसए उन पर, या कोई भड़काऊ ऐसा भाषण दे कि उन्माद फैल जाए दो जातियों के बीच, दो धर्मों के बीच में, तो एनएसए लगाया जा सकता है। तो मनीष कश्यप पे भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके वीडियो या इनके संवाद से, इनके यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनके थ्रू दो स्टेट के बीच में उन्माद फैला, सांप्रदायिकता फैली और हिंदी और हिंदी भाषियों के बीच एक नफरत पैदा हुआ जिससे उस राज्य को और इस राज्य को भी बहुत नुकसान हुआ। सर, ये एक सवाल बनता है कि इससे पहले करीब 22 दिन हो गया मनीष कश्यप जो है न्यायिक हिरासत में है, उस समय एनएसए एक्ट नहीं लगा जब मनीष कश्यप बिहार आने वाले थे, तब अचानक एनएसए एक्ट क्यों लगा? देखिए, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बड़ा रोल होता है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे न्यायालय को अधिकार नहीं है। जी, पुलिस क्या जाँच करेगी, कब जाँच करेगी, रिमांड की अवधि होती है जी। जो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि जब कोई पुलिस रिमांड लेती है तो 2-3-1 वीक का रिमांड मिलता है, अधिकतम 15 डेज का रिमांड हो सकता है, उससे अधिक का रिमांड पुलिस को नहीं मिलती है। इस 15 दिन के अंदर में उनको अपना जांच रिपोर्ट सबमिट करना होता है न्यायालय को। तो अगर राज्य के बाहर का हो तो रिमांड होगा, ट्रांजिट रिमांड होता है, जो मैंने बताया पहले भी। तो मनीष को ट्रांजिट रिमांड प्रोड्यूस किया गया था वहां पर तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में रात में 9 बजे कोर्ट खुला, कोर्ट की बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि मनीष साथ क्या किया जाए और डीएम ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और एनएसए इंपोज करने की मांग की, एनएसए लगाया गया उन पर। उनको ये एलिगेशन लगाया गया कि इनके थ्रू वहाँ तमिलनाडु सरकार के काफी रेवेन्यू का लॉस हुआ है और कई लोग में मारे गए हैं, कई लोग की हत्या हो गई है इनके वीडियो से, और हिंदी हिंदी के बीच में या दोनों राज्यों के बीच में तनाव पैदा हुआ है, इसलिए ये आदमी बाहर आने के लायक नहीं है, इन्हें डिटेन किया जाए, इन्हें से लगा दिया गया। यानी कि जब ये सभी लोग जितने भी फॉलो करते हैं मनीष कश्यप को, ये सोच रहे थे, कोर्ट भी कहीं ना कहीं यही आदेश दे दिया था कि मनीष कश्यप को वापस बिहार ले जाया जाएगा तमिलनाडु से, लेकिन उस वक्त जो है रात को 9 बजे बैठक हुई और एनएसए एक्ट लगा दिया गया। सर, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का जो भी याचिका दायर किए हैं उनके वकील साहब, सुनवाई होनी है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें तमिलनाडु सरकार को ही बनाया गया है पार्टी, इन्होंने फंडिया ही पार्टी बनाई गई है, बिहार सरकार बिहार पुलिस की पार्टी बनाया गया है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय को देखना है कि मनीष कश्यप पे जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है या नहीं है, निराधार है वो। अगर वो निराधार लगे या ऐसा लगे कि मनीष को बेल देके इनको डिफेंस के लिए हम लोग प्रेरित कर सकते हैं तो उनको बेल मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं लगे कि नहीं वो मनीष अगर बाहर रहेंगे दंगा और फैल जाएगा या और कुछ इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाएंगी तो मनीष को फिर रखा जाएगा कस्टडी के अंदर में। तो ये डिपेंड करता है न्यायालय में, और न्यायिक प्रक्रियाओं में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं कोई राय दे पाएंगे, न्यायालय क्या करेगा कल ही मालूम हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में कल क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में सर एक और सवाल है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप तो जेल में है क्योंकि वीडियो उन्होंने ही शेयर किया था जो ट्विटर पर एक वीडियो था, लेकिन जो उनके वकील हैं क्या मनीष कश्यप से मिल पा रहे होंगे, वो सारी बातें उनसे शेयर हो पा रहा होगा कि केस को लेकर अपडेट हो पा रहे होंगे एक दूसरे से? देखिए, मनीष कश्यप कस्टडी में नहीं है जी, मनीष कश्यप रिमांड पे हैं जी, और रिमांड का मतलब जेल नहीं होता है, ठीक है, आप समझना होगा कि गिरफ्तारी मनीष कश्यप की हुई है, मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है, ठीक है, और मनीष को रिमांड पर ले जाया गया वहां पर। तो मनीष को रिमांड ले जाने के पहले इनकी हेल्थ की पूरी चेकअप की गई थी, इनकी मानसिक हालात को देखा गया था, वहां भेजा गया है, और बिल्कुल वो किसी ऐसे जगह पे है जो जेल से अलग जगह रखा बनाया गया होगा। जब भी किसी को रिमांड पर कोई राज्य से ले जाया जाता है तो उस हालत में उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, चाहे वो किसी का ऑफिस हो या पुलिस कार्यालय हो, कोई गेस्ट हाउस हो, कोई सरकारी भवन हो, जहाँ इनको रखा जाएगा बिल्कुल मतलब विद फुल डिफेंस, कि कोई इन पर आक्रमण न करे, ये कहीं भाग नहीं जाए, ये बीमार ना पड़ जाए, इनको खाना भी ऐसा दिया जाए कि ये हालत ना खराब, चूंकि इनको फिर वापस लाना है जहाँ से लेके गए हैं वो। तो इसलिए मनीष को कोई वहाँ बहुत तकलीफ नहीं है, नहीं कोई वहाँ पुलिस उनको टॉर्चर कर रही होती है। तो ये एक अजम्पशन है कि मनीष को कस्टडी में डाल दिया गया, बेचारा ये कर रहा होगा। अभी तो कस्टडी इसको शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो रिमांड पर है वो। अब रिमांड के बाद जब पुलिस प्रोड्यूस करेगा तो न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा इनके साथ क्या कर रहा है। तो इसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, मनीष बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कहीं जितने इनको फॉलोअर्स हैं उनको ये संवाद दीजिए कि मनीष बाहर आ जाएंगे। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार से भी उन्हें एनएसए लगा है कि सिर्फ तमिलनाडु से लगा? नहीं नहीं, एनएसए बिहार में क्यों लगाया जाएगा, चूंकि ये मामला तो तमिलनाडु का है, बिहार में इकोनॉमिकल ऑफेंस का केस किया गया है, जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने केस किया है बिहार में, लेकिन वहाँ जो दंगा फैलाने और वीडियो जो वायरल हुई उससे जो लॉस हुआ है वो तमिलनाडु को हुआ है, तो ये एनएसए वहाँ लगाया गया है, यहाँ आर्थिक अपराध इकाई केस ने अपना केस किया हुआ है। यहाँ जो है मनीष कश्यप पे ईओयू के तरफ से जो भी है ये सब जो केसेस जो है चल रही है, और कुछ पुराने केस भी इनके पुराने केस भी जो है खुले हैं मनीष कश्यप। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी न्याय की हिरासत से उनको सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है वो कल क्या सुनवाई होता है ये भी देखने वाला बात होगा। और मनीष कश्यप का जो मुश्किलें है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अगर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए एक्ट लगा है उसे तमिलनाडु पुलिस साबित कर देता है कि नहीं इन पे लगना जो है वाजिब है, तब क्या होगा? नहीं, अगर वो ये प्रूफ कर दे रहा है कि भाई इन्होंने ऐसा मैंने अपना गिल्टी कॉन्फेस कर ले ये, या इनको गिल्टी अगर प्रूफ कर दिया जाएगा वहाँ से सजा होगा, फिर उनको सजा होगा कितने टाइम तक सजा हो सकता है? जो प्रोविजन जो सेक्शंस इम्पोज किए गए हैं वो 65 भी है IT8 का, 66 भी है IT8 का, 471 है, 407 है, कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें कुछ में तो बहुत 2-3 महीने का ही सजा है, कुछ में 6 महीने का है, कुछ में 3 साल का है, 5 साल का है, लेकिन IT Act जो 6 फाइल हुआ है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जास्ती हो रहा है, खैर इनका फैन फॉलोइंग जो भी है वो कॉमेंट्स में आके लगातार कहते रहते हैं, और सभी लोगों के मन में ये था कि मनीष कश्यप जब बिहार आ रहे थे तो अचानक एनएसए एक्ट क्यों लगा दिया गया, अब ये सोचने वाला बात है। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए एक्ट जो लगा है उसे हटाया जाए या उनको एनएसए एक्ट लगा के आजीवन कारावास किया जाए, ये जो भी चीजें होगी ये सब कल प्रूफ होगा, और बाकी सारा अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ लाइट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।